प्लास्टर कर दो तभी सही होगा क्योंकि ये हिल जा रहा है इसलिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जो आपके लिए ब्लॉग आ रहा है ये आ रहा है काशीपुर उत्तराखंड से, क्योंकि मुझे काशीपुर आए हुए 4 दिन हो गए। और मैंने आपको पहले बताया था ब्लॉग में कि पापा को लेकर ऋषिकेश जाना है, तो मेरे साथ पापा भी आए थे काशीपुर। और तो हम परसों ऋषिकेश गए थे, तो पापा का चेकअप करा के भी आ गए, कल आ गए थे। और दोस्तों आज हूँ मैं यहीं काशीपुर में, अभी अब कुछ दिन ही रहूँगा काशीपुर, उसके बाद जा रहे हैं अब जॉब करने जाते हैं। यार बहुत हो गया, अब चलते हैं जॉब करने। और दोस्तों मैंने आपको एक पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं हॉस्पिटल गया था, हाथ का एक्सरे कराया था, तो मेरा जो हाथ का स्वेलिंग तो कम हो गई है थोड़ा, पर दर्द हो रहा है, तो मुझे आज फिर जाना है डॉक्टर के पास। और दोस्तों अभी मेरी चाची बना रही है हमारे लिए ब्रेकफास्ट, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं। और दोस्तों मेरी चाची बना ली है हमारे लिए ब्रेकफास्ट, हमारे ब्रेकफास्ट बन चुके हैं रोटी, अरे पापा के लिए बन रहे अब सेमियां, सब्जी, दो टाइप की सब्जी बन रखी भाई हमारे लिए आज। तो अभी चाय बनाता हूँ मैं, उसके बाद करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद जाना है फिर हॉस्पिटल। जरा तो नहा धो लिया हमने और अब बन रहा है, अभी चाय बन रही है। और अभी से एक भाई भी तैयार हो रहे हैं, वो जा रहे हैं कोचिंग, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, तो जा रहे हैं कोचिंग। और हम तो दोस्तों अब कुछ दिन के मेहमान रह चुके हैं काशीपुर में, क्योंकि हमारी चाची अब हमें लात मार के भगा रही है अब हमें जाना पड़ रहा है नौकरी करने। तो दोस्तों आपके लिए ब्लॉग भी अब पता नहीं हफ्ते में आएगा, महीने में आएगा, ऐसी लग रहा है मुझे। दिल्ली जाके तो कंटेंट पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं, क्या पता यूट्यूब जर्नी यहीं पर ख़त्म हो सकता है। पर देखता हूँ कुछ ना कुछ तो डालूँगा आपके आपके लिए, कुछ ना कुछ डालता रहूँगा, क्रिकेट का डालूँगा या कुछ कुछ भी डाल दूँगा, पर डालूँगा यार, देखते हैं फिर। तो अभी मेरी चाची बना रही है चाय बना रही है। और दोस्तों आप बोलना कि मैं आगे ब्लॉग बनाऊँ नहीं बनाऊँ, क्योंकि दिल्ली जाके पता नहीं है कि ब्लॉग आएगा नहीं आएगा, जॉब के साथ कैसे बना पाऊँगा। तो आप मैसेज कर जरूर बताना कि, और जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और आपका प्यार ऐसे ही हमेशा ऐसे ही बने रहेगा और सपोर्ट करते रहें, तो ब्लॉग आपके लिए ज़रूर आएंगे ब्लॉग। ठीक है दोस्तों, फिर करते हैं पहले तो हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। और ब्रेकफास्ट में आज शिमला मिर्च की सब्जी और प्याज और दूसरी सब्जी कहाँ गई, प्याज टमाटर का कुछ बना रखा है चटनी टाइप का, और चाय रोटी। तो दोस्तों करते हैं पहले ब्रेकफास्ट, उसके बाद चलते हैं डॉक्टर के पास, और एक दो काम और भी है मार्केट में तो वो भी करने हैं। और दोस्तों ब्रेकफास्ट वगैरह भी मैंने कर लिया था, अब जा रहा हूँ फिर हॉस्पिटल, तैयार वगैरह हो चुका हूँ, चलते हैं अब हॉस्पिटल चलते हैं, तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। स्कूटी की चाबी निकालते हैं। और दोस्तों आज स्कूटी बाहर ही खड़ी है, क्योंकि सुबह किट्टू कम स्कूल गए थे तो उन्हें छोड़ने गए थे स्कूटी से। और देखो बाहर देखो बहुत तेज़ धूप हो रही है भाई, काशीपुर में लग नहीं रहा यार कि मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कल रात को तो इतनी ज़्यादा गर्मी हुई क्या बताएं, लाइट भी चली गई थी रात को। चलते हैं फिर अभी। दोस्तों अब चलता हूँ हॉस्पिटल, मिलता हूँ सीधे फिर वहीं हॉस्पिटल में। और दोस्तों बाहर हो रही बहुत तेज़ धूप भाई, बहुत खतरनाक धूप लग रही है। ठीक है दोस्तों फिर मिलता हूँ सीधे हॉस्पिटल ही। और दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ सरकारी हॉस्पिटल एक बार फिर से, ये है सरकारी हॉस्पिटल काशीपुर के। और दोस्तों फिर आया हूँ मैं एक्सरे करवाने, एक बार फिर से एक्सरे करवाना है। और दोस्तों डॉक्टर साहब ने प्लास्टर के लिए बोल रखा है, इसलिए हाथ में प्लास्टर कराना पड़ रहा है। अभी आया था मैं प्लास्टर लगा के, और कम्मू किट्टू को भी ले जा रहा हूँ घर, अभी एक बज गया है। हेलो कर दे, हाय कर दे। भैया ने आपको बताया कि नहीं इनका हाथ, घर जाके बताएंगे। चलो ठीक है दोस्तों फिर घर जाके मिलते हैं ना। और दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अब घर में, क्योंकि बाहर बहुत धूप हो रही थी और किट्टू कम्मू की छुट्टी भी हो गई थी, तो मैं लेके भी आ गया हूँ। और दोस्तों हाथ में देखो प्लास्टर करवाना पड़ा, क्योंकि मैंने अभी दोबारा एक्सरे कराया था, और एक्सरे में थोड़ा सा माइनर हुई फ्रैक्चर आ रहा था, इस कारण डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि आप प्लास्टर कर दो तभी सही होगा, क्योंकि ये हिल जा रहा है इसलिए। किट्टू कम्मू को भी कुछ सरप्राइज है, कुछ कहना चाहते हो आप? क्या बोलो? अभी नहीं बोला तो लेदर की, क्या बोल रहे? अभी लेदर की वजह से तुम क्या होता?
ठीक हुआ, लेदर की बॉल से लगी लगी है, नीविया जो हमारे लाल बॉल थी उससे लगी है, पर लेदर से लगती तो फिर इसी तरह लगी है, लेदर से लगती तो फिर हाथ ही गायब हो जाता मुझे लग रहा है ऐसी। ठीक है दोस्तों, फिर आपको कुछ दिन रेस्ट करना पड़ेगा, देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक होता है नहीं होता, रेस्ट करके तो ठीक हो जाएगा। दवाई भी ला रहा हूँ, दवाई वगैरह लेता हूँ बढ़िया प्रॉपर करके, ठीक हो जाएगा। देखो ऐसे तो हो जा रहा है, पर थोड़ा अंगूठा तो हो जा रहा है ऐसे। अरे नहीं ऐसे नहीं छुआ। ठीक है दोस्तों, फिर अब लंच वगैरह करते हैं, मैं चाची बना रही है हमारे लंच बना रही है, नहीं गया। ठीक है दोस्तों, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं, लंच वगैरह करते हैं, लंच अभी बन रहा है लंच। और दोस्तों अभी बाहर से आया तो बाहर तो इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, तो मैं अपने पहले बनाता हूँ नींबू पानी, क्योंकि अभी चाची अभी लंच बना रही है, अभी शुरुआत कर रही है लंच का, तो तब तक बनाता हूँ मैं नींबू पानी। पर यार ये प्लास्टर तो मुझे उस दिन करा लेना रहता, पर थोड़ा डॉक्टर साहब ने मना कराया था, पर अभी थोड़ी दिक्कत आ रही थी ज़्यादा, इसलिए प्लास्टर करवाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, पहले बनाते हैं अपने लिए नींबू पानी, क्योंकि बाहर से आगे थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आजकल गर्मी में पीना चाहिए नींबू पानी पीना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ, फिर अभी बनाता हूँ नींबू पानी। अभी से एक भाई भी आ गया, अब वो बना रहे हैं नींबू पानी, क्योंकि हमारा एक हाथ तो ढंग से काम नहीं कर रहा, तो मैंने अभी से एक भाई को बोला कि तुम बनाओ नींबू पानी, क्योंकि वो भी अभी धूप से आ रखे बाहर से, और मैं भी और किट्टू कम्मू भी, तो पहले नींबू पानी पीता है। दोस्तों नींबू पानी वगैरह हमने पी लिया है, और दोस्तों एक बात है, जो सरकारी हॉस्पिटल में हमारे बड़े भाई हैं वो बहुत हमारी मदद कर देते हैं, इस कारण थोड़ा प्रोसेस काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है, उनके लिए बहुत धन्यवाद है। भाई जो मेरा तो व्यूअर है, मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई भी हैं, तो उनके वजह से थोड़ा काम जल्दी जल्दी हो जाता है, इस कारण मैं देखो अभी थोड़ी देर पहले गया था, 1-1.5 घंटे पहले गया था, तो वहाँ डॉक्टर में दिखा के प्लास्टर एक्सरे उक्सरे सब करा देते हैं, टाइम से करा देते हैं, इस कारण थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अब थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, अभी लंच हो रहा तैयार, थोड़ा मैं रेस्ट करता हूँ, उसके बाद लंच करते हैं, तब मिलते हैं आपको लंच करने के बाद। और दोस्तों लंच करने के बाद थोड़ा हमने आराम वगैरह किया, थोड़ा सो गए थे, और अभी शाम के बज रहे हैं 6 बज रहे हैं, और जा रहे हैं थोड़ा स्टेडियम वगैरह घूम के आते हैं, क्योंकि अभी से कर रहा है तैयारी, आजकल आर्मी की तैयारी कर रहा है, तो मैं विजय के साथ जा रहा हूँ स्टेडियम, और आज योग्यता भी आ गई गाँव से, देखो इधर बैठ रखी है, इधर से दिख नहीं होगा साहब, इधर से दिख नहीं। हेलो गाइस, कैसे हो? ये भी अभी पहुँची है, ये भी मतलब 1-1.5 घंटा हो गया से पहुँच के, और अभी से एक भाई भी हो चुके हैं अब स्टेडियम के लिए तैयार, क्योंकि ये आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इन्हें ज़रा मैं रनिंग करा के आता हूँ, थोड़ा इनके प्रैक्टिस वगैरह करा के ले आता हूँ ज़रा। चलो ठीक है दोस्तों, फिर मिलता है थोड़ी देर में, या मिलेंगे सीधे शाम को ही, क्योंकि फ़ोन में घर में रख के जा रहा हूँ, क्योंकि फिर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आती है, तो आज तो एक्सरसाइज क्या करूँगा यार, देखें प्लास्टर में अब रेस्ट ही करना पड़ेगा, फिर ऐसे ही जा रहा हूँ मैं अभी घूमने। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में यार। दोस्तों तो कैसे हैं आप सब लोग, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ, और जैसे कि आप सबको पता ही है, थोड़ी देर पहले योगेश भाई ने बता दिया था कि योगिता भी आ गई गाँव से, तो मैं भी आ गई हूँ काशीपुर, और इधर तो क्या ही बोले दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही गंदी वाली गर्मी हो रही है, और गाँव में तो बड़ा ही अच्छा मौसम है, कभी धूप तो कभी बारिश, कभी कोहरा तो कभी, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, और इधर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, और भाई लोग भी आ गए स्टेडियम से रनिंग करके, ये देखो एक इधर है और एक योगेश भाई अंदर जा रखा है, और क्या बोले दोस्तों, गर्मी से बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है इधर तो। चलो तो फिर दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर तो ज़रूर ही करना, और जो भी मतलब नया जुड़ रहा है हमारे साथ तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।